हसीम आमला क्रिकेट जगत का एक ऐसा नाम जिसने रन बनाने के मामले में बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़कर रख दिया था, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर एबी डिविलियर्स। रन बनाने के मामले में तो वो इन दोनों से भी एक कदम आगे थे। वो एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन पर उनकी टीम भरोसा करती थी और उनकी मौजूदगी में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने टेस्ट और ओडीआई दोनों ही फॉर्मेट्स में कई शानदार जीतें अर्जित की है। तो चलिए आज बात करते हैं इस क्रिकेटर की जिंदगी और करियर के बारे में। हसीम मोहम्मद आमला का जन्म 31 मार्च 1983 को साउथ अफ्रीका के एक शहर डरबन में हुआ था। हसीम आमला का परिवार मूल रूप से भारत के गुजरात राज्य के रहने वाले हैं, जो बाद में साउथ अफ्रीका चले आए थे। हसीम आमला ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन की पढ़ाई डरबन हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल के दिनों से ही हसीम आमला को क्रिकेट के खेल में काफी दिलचस्पी थी और वो अपने बड़े भाई अहमद के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी किया करते थे। चूंकि दोनों ही भाई इस खेल में काफी अच्छे थे, इसीलिए आगे चलकर दोनों भाइयों ने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। साल 1997 में अहमद ने साउथ अफ्रीका की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नटाल बी की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की। इसके ठीक दो साल बाद साल 1999 में हसीम आमला ने भी क्वाजुलू नटाल डॉल्फिन्स की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना कदम रखा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें साल 2002 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली साउथ अफ्रीकन टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई, जहां वो साउथ अफ्रीका को फाइनल तक लेकर गए। इसके अलावा उन्होंने आगे के फर्स्ट क्लास मैचों में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। आमला के खेल को बेहतर बनाने में वेस्टर्न प्रोविंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच रहे हेल्टन एकरमैन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी मदद से ही आमला ने अपनी बैटिंग तकनीक में जो खामियां थी उसको दूर किया और साथ ही क्रिकेट की कई बारीकियां भी सीखी। सीजन 2004-05 के डोमेस्टिक क्रिकेट के दौरान आमला ने अपने पहले 8 इनिंग्स में 4 लगातार सेंचुरी लगाकर नेशनल टीम में आने की दावेदारी भी ठोक दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन पर आखिरकार साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की सिलेक्टर्स की नजर पड़ी और उन्हें साल 2004 में भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में अपना डेब्यू करने का मौका दिया गया। लेकिन वो अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और दोनों पारियों को मिलाकर केवल 26 रन ही बना सके। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल 2006 में खेले गए होम टेस्ट सीरीज के दौरान दूसरे और अपने चौथे ही टेस्ट में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 149 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और अपने काबिलियत को साबित भी कर दिखाया। साल 2006 में ही श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान कुमार संगकारा का कैच पकड़ने के बाद मशहूर दिवंगत कमेंटेटर डीन जोन्स ने कमेंट्री के दौरान अमला को शायद उनकी लंबी दाढ़ी रखने की वजह से टेररिस्ट कह दिया था। दरअसल डीन जोन्स को लगा था कि ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक गया है और तभी अचानक उनके मुंह से निकल गया द टेररिस्ट गेट्स अनदर विकेट, आतंकवादी ने एक और विकेट ले लिया, जो कि ऑन एयर हो गया था, जिसके बाद डीन जोन्स की काफी आलोचना भी हुई और उन्हें इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। हालांकि इस घटना को ज्यादा तवज्जो देने के बजाय हसीम आमला ने अपना सारा ध्यान अपने खेल को बेहतर बनाने में लगा दिया, जो आगे चलकर उनके खेल में साफ नजर भी आने लगा था। नवंबर 2007 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलते हुए उन्होंने नाबाद 176 और 103 रनों की दो बैक टू बैक मैच विनिंग शतकीय पारी खेलकर टेस्ट टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। टेस्ट क्रिकेट में किए गए अपने लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत उन्हें साल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए एक दिवसीय टीम में भी शामिल कर लिया गया। इस तरह 9 मार्च 2008 को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला ओडीआई मैच खेला और 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नवंबर 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ ही खेलते हुए आमला 140 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाने में भी कामयाब रहे। साल 2009 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने T20 क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। करियर के दृष्टिकोण से साल 2010 आमला के लिए काफी शानदार रहा। फरवरी 2010 में भारत दौरे पर हसीम आमला ने अपने शानदार फॉर्म के सिलसिले को जारी रखते हुए सीरीज के पहले ही टेस्ट में नाबाद 253 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को एक शानदार शुरुआत दी। इसके बाद अगले टेस्ट में तो वो दोनों पारियों में ही शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इसी साल मई में वेस्टइंडीज दौरे पर खेले गए ओडीआई सीरीज के दौरान भी हसीम आमला पूरी तरह छाए रहे।
उन्होंने 5 मैचों की इस ओडीआई सीरीज के दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को यह ओडीआई सीरीज 5-0 से जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें एक बार फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। नवंबर 2010 में ही वो आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन भी बने। इसी साल उन्होंने टेस्ट और ओडीआई दोनों में ही एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। इस दौरान उन्होंने टेस्ट और ओडीआई दोनों ही फॉर्मेट्स में 5-5 शतक भी लगाए थे। इसके बाद तो आमला ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट, दोनों ही फॉर्मेट में लगातार रन बनाते चले गए। जनवरी 2011 में भारत के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज के चौथे मैच में 64 रनों की पारी खेलने के दौरान वो ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने। ये कारनामा उन्होंने केवल 40 मैचों में ही कर दिखाया था। इसी साल खेले गए वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया। जुलाई 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में नाबाद 311 रनों की एक और लाजवाब पारी खेलकर वो साउथ अफ्रीका की तरफ से 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। इसके बाद तो उन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक मैच विनिंग पारियां खेलते रहे। इसी दौरान उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000 रन बनाने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर डाला। साल 2013 में क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। इसी साल वो आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग के साथ साथ टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 बैट्समैन बने। अगस्त 2014 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में नाबाद 122 रनों की मैच विनिंग शतकीय पारी खेलते ही वो ओडीआई क्रिकेट में पारी के हिसाब से सबसे तेज अपने पहले 15 शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने केवल 86 पारियों में ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला था। इसी साल बांग्लादेश की धरती पर खेली गई T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बल्ले से अपना उपयोगी योगदान दिया, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसके बाद बारी थी साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीकन टीम को हसीम आमला से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वेस्टइंडीज और आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को छोड़कर वो बाकी मैचों में अपना कमाल नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही साउथ अफ्रीका की टीम को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इसी वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 159 रनों की शतकीय पारी खेलकर ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 20 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया था। उन्होंने केवल 108 पारियों में ही ये कारनामा कर दिखाया था, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड ही है। वो साल 2019 के वर्ल्ड कप खेलने वाली साउथ अफ्रीकन टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अपने 8000 रन भी पूरे किए। उन्होंने ये कारनामा करने के लिए केवल 176 पारियां ली और विराट कोहली के बाद विश्व के दूसरे सबसे तेज ये माइलस्टोन हासिल करने वाले बल्लेबाज बने। अपनी कंसिस्टेंट बल्लेबाजी की बदौलत कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इस बेमिसाल क्रिकेटर ने आखिरकार अगस्त 2019 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। उनके अचानक इस तरह रिटायरमेंट की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल इसी वर्ल्ड कप के पहले मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक तेज बाउंसर आमला के हेलमेट पर लगी थी, जिसके बाद वो दोबारा बल्लेबाजी करने की स्थिति में नहीं थे और उन्हें रिटायर्ड हट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था। शायद यही वो वजह थी जिसके बाद उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। हसीम आमला एक ऐसे बल्लेबाज थे जो अंधाधुंध शॉट्स लगाने में विश्वास नहीं रखते थे। वो पहले खुद को सेट करते और उसके बाद बिना कोई जोखिम भरे शॉट्स खेले ही रन रेट को एक्सिलरेट करते थे। टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई, वो जब तक क्रीज पर होते थे साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद बनी रहती थी। वो सही मायनों में साउथ अफ्रीकन टीम के रन मशीन थे। हसीम आमला साल 2016 और 2017 के आईपीएल सीजन में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेले, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए कई शानदार पारियां खेली। इस दौरान उन्होंने 16 मैचों में 577 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद साल 2018 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें किसी भी टीम ने नहीं लिया। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान
124 टेस्ट मैचों में 46.64 की एवरेज से 28 शतकों और 41 अर्धशतकों के साथ 9,282 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 311 रन है। वहीं 181 ओडीआई मैचों में 49.46 की एवरेज से 27 शतकों और 39 अर्धशतकों के साथ 8,113 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 159 रन है। इसके अलावा 44 टी20 मैचों में उन्होंने 33.60 की एवरेज से 8 अर्धशतकों के साथ 1,277 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 97 रन है। वो साउथ अफ्रीका की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। साथ ही वो टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में 25 से ज्यादा शतक लगाने के मामले में विश्व के चौथे और साउथ अफ्रीका के पहले बल्लेबाज भी है। इसके अलावा वो लगातार 3 साल आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन भी रह चुके हैं। उनके ये आंकड़े और रिकॉर्ड्स ये साबित करने के लिए काफी है कि वो कितने महान बल्लेबाज थे, जिनकी कमी को साउथ अफ्रीकन टीम हमेशा महसूस करेगी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2011 में सुमैया आमला से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी है। हसीम आमला एक शानदार क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के इंसान है। उन्हें ईश्वर पर गहरी आस्था है और वो इस्लाम धर्म के सभी रीति रिवाजों और कायदे कानून को बड़ी शिद्दत के साथ अनुसरण करते हैं। एक बार उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम की जर्सी पर लगे कैसल लेगर की लोगो की वजह से, जो कि साउथ अफ्रीका की एक शराब बनाने वाली कंपनी है और साथ ही साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर भी है, उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि उनका धर्म इस तरह के चीजों का प्रचार प्रसार करने की इजाजत नहीं देता है। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी मैच फीस भी गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने फैसले नहीं बदले। आखिरकार टीम मैनेजमेंट को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें बिना कैसल लेगर की लोगो वाली जर्सी पहनने की इजाजत दे दी। फिलहाल वो परिवार के साथ अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो हमें कोई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के रन मशीन कहे जाने वाले हसीम आमला की शानदार क्रिकेटिंग सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।